दोस्तों टाइबर के बाद अब नई एसयूवी लाएगी रेनॉल्ड्स, मारुति बेजा और होंडा वेन्यू को देगी टक्कर, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे न्यूज एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो साइड में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों टाइबर की लॉन्चिंग के बाद रेनॉल्ड्स ने अब भारत के लिए एक नई कार पर काम करना शुरू कर दिया है। ये नया प्रोडक्शन कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जिसे एचपीसी कोड नेम दिया जाएगा। रेनो आने वाले महीनों में इस नई एसयूवी के ग्लोबल अपडेट लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि इसे ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया जा सकता है। और दोस्तों कीमत कम रखने के लिए इस नई एसयूवी के कई पार्ट्स रेनो टाइबर और कंपनी की दूसरी कारों में से लिए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एचपीसी में आपको टाइबर वाला 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके टॉप वेरिएंट में आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा जो ज्यादा पावर आप सभी को प्रदान करेगा। इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको 5 स्पीड मैनुअली और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों नई कॉम्पैक्ट एसयूवी रेनो निसान के ग्लोबल CMF मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रेनो टाइबर MPV के लिए भी किया गया था। HPC एसयूवी की लंबाई दोस्तों 4 मीटर से कम होगी और इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए लोअर एंड में बाजार में उतारा जाएगा। अब दोस्तों बारी आती है लॉन्चिंग और कीमत की, तो भारतीय बाजार में दोस्तों ये कार 2020 फरवरी में ऑटो एक्सपो के दौरान पेश करी जाएगी। कीमत की बात कर ली जाए तो दोस्तों भारतीय बाजार में ये दो वेरिएंट में उतारी जाएगी। स्टार्टिंग कीमत दोस्तों इसकी 4.70 लाख रुपीस रखी जाएगी और इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो दोस्तों उसका प्राइस 6.50 लाख रुपीस तक जाने वाला है। तो दोस्तों टाइबर के बाद अब HPC रेनॉल्ड्स की नई कार आप सभी के लिए भारतीय बाजार में पेश होने वाली है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।